गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट नेम इज एस्केरेसिस। दैट नेम इज एस्केरेसिस दैट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, दैट चैप्टर नेम इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लाइक वी डिस्कस दैट इज अ राउंड वर्म, दैट इज अ राउंड वर्म। वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक दैट इज राउंड वर्म। राउंड वर्म में मतलब यहां पे हमने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट टॉपिक नेम इज एस्केरेसिस। दैट टॉपिक नेम इज एस्केरेसिस, ओके। दैट टॉपिक नेम इज एस्केरेसिस। एंड व्हाट इज एस्केरेसिस? दैट कॉज्ड बाय राउंडवर्म लुम्ब्रिकॉइड्स, राउंडवर्म लुम्ब्रिकॉइड्स या एस्केरेस। बेटा नाम याद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, एस्केरिस कोज एस्केरेसिस। एस्केरिस कोज एस्केरेसिस दैट इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड, that is spread by contaminated food and water. Is it clear beta? सबसे पहले हमने टॉपिक करना है डिस्कस, that is the life history. That is the life history of Escherichia. Life history of Escherichia. तो बेटा what is the meaning of life history of Escherichia? That means बेटा कि जो एस्केरेसिस है, दैट मींस बेटा एस्केरेसिस का मतलब यहां पे क्या है कि मैन गेट टेकिंग एस्केरिस एग्स फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर और सोइल लाइक दैट। जैसे मान लो ये एस्केरिस है, एस्केरिस दैट इज अ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म दैट एंटरिंग ह्यूमन बॉडी। बेटा प्रोसेस बता रहा हूं, नो प्रॉब्लम। दैट इज एंटरिंग ह्यूमन बॉडी बाय contaminated food and water, by contaminated food and water. अब पर्टिकुलर हम बात करते हैं that contaminated food and water जो आया कहां से, that is contaminated by egg of Escherichia, egg of Escherichia or there are different type of disease causing agents जो एस्केरिस के हैं। अब ये contaminate हो गया, अब particular हम topic की बात करते हैं कि एस्केरिस that is disease causing organism that entering human body by contaminated food and water, that is the example of एस्केरिस। These egg enter in intestine, these egg enter in intestine and hatch out. जब वो मैच्योर होंगे बेटा तो वो हैच आउट हो जाएंगे एंड दैट एंटर्स थ्रू फीसीज इन ए फूड और वॉटर और सोइल। इज इट क्लियर बेटा? एंड सबसे पहले हम बात करते हैं द पेशेंट टेक्स दिस या द ह्यूमन बीइंग टेक दिस, द ह्यूमन बीइंग टेक दिस। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट इज एस्केरेसिस, दैट इज राउंड वर्म लुम्ब्रिकॉइड्स, दैट कॉज बाय एस्केरिस भी लिख सकते हैं आप, दैट स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर लिखना है। The life history of Escherichia,
द मैन गेट टेकिंग एस्केरिस एग्स फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर और सोइल। अब यहां पे एस्केरिस डिजीज कोजिंग होंगे हमें, दैट एंटर इन ह्यूमन बॉडी, कैसे आया? कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर। अब फूड और वॉटर कंटामिनेटेड कैसे हुआ? मैंने आपको बताया दैट इज कंटामिनेटेड बाय एग ऑफ एस्केरिस। जो एग्स है वो एंटर होंगे इंटेस्टाइन में, हैच आउट होंगे एंड दैट एंटर थ्रू फीसिस इन ए फूड एंड वॉटर। ये इसका इंफेक्शन बताया मैंने, क्या क्या इंफेक्शन इसमें, मतलब ये कैसे कैसे स्प्रेड होगा। अब पर्टिकुलर हम टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाट इज द पैथोजेनिसिटी, व्हाट इज द पैथोजेनिसिटी, व्हाट इज द पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनिसिटी। जो पढ़ चुके हैं बेटा उनको पता है, दैट इज इफेक्ट ऑन होस्ट। होस्ट का मतलब बेटा जो इंफेक्शन कैरी कर रहा है बॉडी में, इन्फेक्ट ऑन द होस्ट। सबसे पहले आता है लाइट इंफेक्शन, सबसे पहले आता है डू नॉट प्रोड्यूस मेजर हार्म, ज्यादा हार्म प्रोड्यूस नहीं करेगा और ना कोई इंफेक्शन ज्यादा, दैट कैन बी क्योर, दैट कैन बी क्योर। बट मैंने एक टॉपिक डिस्कस करना है बेटा अभी आपके सामने लाइट इंफेक्शन के साथ साथ, दैट इज हैवी इंफेक्शन, दैट इज हैवी इंफेक्शन। हैवी इंफेक्शन में क्या होगा, दैट मींस कोई भी माइक्रोब जब बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी में एंटर करने के बाद जो हैवी इंफेक्शन है, जो हम पढ़ रहे हैं हैवी इंफेक्शन में, कि दैट मींस हाउएवर प्रूव सीरियस, दैट मींस बेटा दैट प्रूव्स सीरियस और कोज इंफ्लामेशन इन, इंफ्लामेशन इन इंटेस्टाइन। वर्ड याद है बेटा आइटिस, आइटिस का मतलब यहां पे क्या है, इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन। एक आता है बेटा पेरिटोनियम, क्या आएगा पेरिटोनियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिटोनियम बेटा। जब पहले हम वर्ड एक पढ़ लेते हैं पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिटोनाइटिस, दैट मींस बेटा इंफ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम ऑफ इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम ऑफ इंटेस्टाइन। अब आप बात कर रहे हैं कि सर ने ये क्या बोल दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बेटा मैंने आपको लिखा भी हुआ है, इट इज द सीरियस मेम्ब्रेन, इट इज द सीरियस मेम्ब्रेन। और क्या हुआ है बेटा, लाइनिंग ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग, दैट मींस बेटा कि मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ, या सॉरी सेरस है बेटा ये, सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या है बेटा, जो हमारा एब्डोमन है उसमें जो लाइनिंग है, जो उसकी जो आउटर लेयर है, जो एब्डोमन की जो लाइनिंग है, जो सेरस मेम्ब्रेन है वो होगी पेरिटोनियम, और उस एब्डोमन की लाइनिंग में क्या होना बेटा, इंफ्लामेशन कोज होना, दैट इज पेरिटोनाइटिस, दैट इज पेरिटोनाइटिस। दूसरा हमने एक टॉपिक और डिस्कस करना है, दैट मींस बेटा पेरिटोनाइटिस हो गया, फिर हमारा आता है एंटेराइटिस, एंटेराइटिस। यहां पर भी क्या है, इंफ्लामेशन ऑफ, इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। दैट मींस बेटा ये टर्म भी है कि एंटेराइटिस क्या हुआ, द इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, दैट मींस बेटा दैट इंपेयर्स डाइजेशन, दैट इंपेयर्स डाइजेशन। दैट मींस बेटा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। अब एक मैंने आपको बताना है कि ये जो दो प्रॉब्लम कोज हुई है बॉडी में, दैट मींस बेटा
एक पेरिटोनाइटिस, एक एंटेराइटिस, वो कैसे हुई है? वो हुई है बेटा टॉक्सिन से। दैट मींस बेटा टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द राउंड वर्म, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द राउंड वर्म कोज इरिटेशन इन इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल दैट कोज या दैट इंपेयर्स, कोज और लिख सकते हो इंपेयर्स डाइजेशन। दैट मींस बेटा कि ज्यादा कोज होगा अगर इसके ज्यादा इफेक्ट होते हैं, मेजर इफेक्ट कोज अगर बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा, दैट कोज फैटल। ये क्या होगा बेटा? बॉडी के लिए फैटल होगा। दैट इज फ्री लिविंग या नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, ये इजीली बॉडी में सर्वाइव कर सकता है काफी टाइम तक। और ये होस्ट होगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में, मतलब एक इंटेस्टाइन में रहेगा आराम से, कोई मतलब इंफेक्शन तो करेगा ही करेगा, बट तब तक बॉडी इंफेक्टेड रहेगी, तब तक ये बॉडी के इंटेस्टाइन में ही कॉज होगा और डैमेज करेगा। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, एंटेराइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन दैट कॉज इंपेयर्स डाइजेशन। बेटा हम टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज, क्या रीजन थे, रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज, वो थे बेटा एस्केरिस। तो हमें पता ही है कि एस्केरिस से हुआ है, बट यहां पे हमने लिखना है कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर। अब आपने दिमाग में क्वेश्चन अगर जनरेट हुआ है, मे बी हुआ है, तो कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा अमीबाइसिस दैट कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो आप लिखेंगे सेम एज अमीबाइसिस, सेम एज अमीबाइसिस। वैसे हमने लिखना है कि क्लीन वाटर टेक रखना है, क्लीन वाटर लेना है, दूसरा हाइजीन का ध्यान रखना है लाइक क्लीनलीनेस, ओके। और दूसरा बेटा जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जिनसे यूटेंसिल्स ऑफ इंफेक्टेड पर्सन, उससे भी अपने आप को प्रिवेंट रखना है। अब बेटा हम एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या है, एक जनरल सा बस आपसे मैं 2 या 3 मिनट डिस्कशन करता हूं कि व्हाट इज द थ्योरी प्रेजेंट इन एस्केरिसिस, दैट इज योर लेक्चर नंबर 10, फिर से बता रहा हूं, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नंबर 8। सेम बेटा वही प्रोसेस है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। मैं ओनली 2 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके बारे में, बाकी मैं पढ़ा चुका हूं। एस्केरिसिस कॉज बाय द राउंड वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये राउंड वर्म लुम्ब्रिकोइड्स है बेटा जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गन है मेनली ये, और द राउंड वर्म लाइज इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट लाइज फ्री, बता चुका हूं, हैविंग नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, इजिली बॉडी में रहेगा। मैन गेट इंफेक्शन टेकिंग एस्केरिस एग्स, मैंने आपको बताया था हैच आउट होते हैं विथ फूड एंड वॉटर। चिल्ड्रन बिकम इंफेक्टेड बाई इंजेस्टिंग सोइल, बच्चा कोई मिट्टी खाता है तो उसके थ्रू हो सकता है, एग्स हैच आउट होंगे होस्ट इंटेस्टाइन में फ्यू आवर्स। वट इज द पैथोजेनिसिटी, एक लाइट इंफेक्शन एक हैवी इंफेक्शन है, प्रेजेंस ऑफ ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल हैज नो इफेक्ट ऑन होस्ट लेवल, मतलब जनरल कोई मेडिसिन ले ली हमने, कोई भी लीवर की कोई भी नॉर्मल मेडिसिन ली तो उससे नॉर्मल कम हो सकते हैं, ठीक। देन एक आता है बेटा हैवी इंफेक्शन, हैवी इंफेक्शन क्या प्रूव करते हैं, सीरियस दैट मींस वीकनेस एंड एनीमिया। एनीमिया मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज एनीमिया बेटा, कि बॉडी में ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉडी में जो ब्लड है पूरी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको यहां पे एक टॉपिक पढ़ाया है इंपेयर्स डाइजेशन, इंपेयर्स डाइजेशन। अगर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रॉपर नहीं होगा तो ब्लड फॉर्मेशन भी बहुत कम होगी। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द पैरासाइट्स दैट कॉज इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड इंपेयर्स डाइजेशन, ये 2 वर्ड पढ़ा चुका हूं, द दे समटाइम डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंटेराइटिस, दैट मींस एंटेराइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, और पेरिटोनाइटिस इंफ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम ऑफ इंटेस्टाइन, सॉरी
एंड कंट्रोल मेजर्स मैं आपको बता चुका हूं दैट आर सेम एज अमीबायसिस। बेटा हमने एक वर्ड पढ़ा था पेरिटोनियम, मैंने आपको बता दिया दैट इज अ सीरियस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। दैट मींस बेटा ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, तो इसकी जो लाइनिंग को बनाने वाली है वो है पेरिटोनियम। वो क्या है बेटा? पेरिटोनियम। यहां पर क्या कोज हो जाएगी बेटा? इंफ्लामेशन होगी, और इंफ्लामेशन कोज करेगी और इंपेयर्स करेगी डाइजेशन, और इंपेयर्स डाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? ये आउटर लाइनिंग हम बोल सकते हैं कि दैट इज द पेरिटोनियम लाइनिंग। ओके बेटा, लेट्स आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा।